हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश समान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर क्या लक्षण होते हैं, और शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि शरीर में विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, और शरीर में विटामिन B12 की कमी का पता करने के लिए कौन सा लैब टेस्ट करवाना चाहिए। विटामिन B12 को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। मिथाइल कोबालामिन और साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की ही दो टाइप हैं। विटामिन B12 एक वाटर सोलबल विटामिन है। वाटर सोलबल विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। शरीर में वाटर सोलबल विटामिन्स की ज्यादा मात्रा होने पर वाटर सोलबल विटामिन्स पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए विटामिन B12 को सही मात्रा में हर रोज लेना जरूरी होता है। विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा शरीर के नर्वस सिस्टम और दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी विटामिन B12 बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो सकती है और शरीर की नसें कमजोर हो सकती हैं, जिसकी वजह से शरीर की नसों में दर्द और सूई चुभने जैसी संवेदना हो सकती है। इसके अलावा विटामिन B12 शरीर में फैट को एनर्जी में बदलने का काम करता है, और शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहने की समस्या हो सकती है। विटामिन B12 की कमी के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। इसलिए शरीर में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन के लिए विटामिन B12 बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन B12 दिमाग व दिल से संबंधित बीमारियां होने के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा विटामिन B12 चिंता व तनाव से निपटने में भी मदद करता है। इसलिए विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर क्या लक्षण होते हैं। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में थकान व कमजोरी रहना, सिर दर्द होना, बालों का जड़ना, बालों का समय से पहले सफेद होना, आंखों की रोशनी कम होना, त्वचा का पीला पड़ना, मुंह में छाले होना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, दिल के धड़कन का तेज होना, हाथों व पैरों में सुन्नपन वह सुई चुभने जैसी संवेदना होना, याददाश्त कमजोर होना, भूख कम लगना, जीभ पर घाव होना, जीभ का लाल होना और सांस फूलना आदि लक्षण शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर हो सकते हैं। शरीर में विटामिन B12 की कमी की वजह से कमर में दर्द और शरीर की हड्डियों में भी दर्द रहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा होने पर डिप्रेशन और अल्जाइमर भी हो सकता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी का पता लैब टेस्ट की मदद से भी लगाया जा सकता है। सिर्फ विटामिन B12 टेस्ट की मदद से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी है या नहीं। सिर्फ विटामिन B12 टेस्ट की नॉर्मल रेंज 190 से लेकर 950 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है। अगर किसी व्यक्ति में सिर्फ विटामिन B12 टेस्ट का रिजल्ट 200 से लेकर 300 पिकोग्राम पर मिलीलीटर है, तो उस व्यक्ति में विटामिन B12 का लेवल बॉर्डर लाइन पर है। अगर विटामिन B12 टेस्ट का रिजल्ट 200 पिकोग्राम पर मिलीलीटर से कम है, तो उस व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी है। सिर्फ विटामिन B12 टेस्ट की नॉर्मल रेंज लैब टू लैब थोड़ी बहुत इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करें कि शरीर में विटामिन B12 की कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं। विटामिन B12 मुख्य रूप से मांसाहारी भोजन में पाया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों में विटामिन B12 की कमी बहुत जल्दी होती है। लंबे समय तक पेट में एसिडिटी और गैस कम करने की एंटासिड दवाओं को लेने से भी शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों में भी विटामिन B12 की कमी बहुत जल्दी होती है। अब हम डिस्कस करें कि शरीर में विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको अंडे, सोयाबीन, दूध, दही, ओट्स, पनीर, मछली, मशरूम और ब्रोकली आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी को विटामिन B12 की टेबलेट और इंजेक्शन की मदद से भी पूरा किया जा सकता है। डॉक्टर विटामिन B12 के इंजेक्शन मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन को एक या दो दिन का गैप देकर 1 महीने तक लगवाने की सलाह दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 3 महीने बाद बूस्टर डोज दी जा सकती है। विटामिन B12 की ज्यादातर कैप्सूल या टैबलेट के ऊपर विटामिन B12 की जगह मिथाइल कोबालामिन लिखा होता है, क्योंकि मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 की ही एक टाइप है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।